चीन की एक परमाणु पनडुब्बी वुहान के पास वुचांग शिपयार्ड में डूब गई है। रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से इसकी जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी का दावा है कि यह घटना मई या जून में हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। डूबने वाली पनडुब्बी झाओ क्लास की थी और ये परमाणु ऊर्जा से संचालित थी। अमेरिकी अधिकारियों ने भी पनडुब्बी के डूबने का दावा किया है। वॉशिंगटन में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। उधर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने भी अब तक इस घटना की कोई भी पुष्टि नहीं की है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन की न्यूक्लियर सबमरीन डूबने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है, साथ ही अगर न्यूक्लियर सबमरीन डूबी है तो इससे क्या खतरा हो सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। अमेरिकी शहर कोलोराडो में एक कंपनी है मिक्सार टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए अंतरिक्ष के साथ ही दुनिया भर की घटनाओं पर अपनी नजर रखती है। कंपनी ने 10 मार्च को चीन के वुहान की एक सैटेलाइट तस्वीर ली थी और इस तस्वीर में चीनी सबमरीन को वुहान के शिपयार्ड में देखा गया था। ये झाओ क्लास के सबमरीन है जिसकी पहचान उसकी लंबी टेल है। इसके 2 महीने बाद 16 मई को एक और अमेरिकी स्पेस कंपनी प्लैनेट लैब्स ने इस न्यूक्लियर सबमरीन की सैटेलाइट की तस्वीर ली थी, लेकिन जून के आखिर में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में ये सबमरीन नहीं दिखाई दी, तो इस सबमरीन की तलाश शुरू हो गई। सैटेलाइट इमेज पर रिसर्च करने वाले टॉम शुगार्ट ने सबसे पहले इस घटना की जानकारी दी। शुगार्ट अमेरिकी नौसेना में काम कर चुके हैं और वो सबमरीन के कप्तान हुआ करते थे। शुगार्ट का कहना है पहले उन्हें लगा कि कोई पनडुब्बी डूबी होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली चीनी सबमरीन पनडुब्बी थी। शुगार्ट कहते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि सैन डियागो में कोई परमाणु पनडुब्बी डूब जाए और अमेरिकी सरकार इस खबर को दबा दे, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, लेकिन दुनिया जानती है चीन ऐसा कर सकता है। इस घटना पर अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने CNN से बातचीत में ये कहा कि चीन का डिफेंस सेक्टर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये घटना पीएलए की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करती है। ये घटना बीजिंग के लिए एक शर्मिंदगी की तरह है जो नेवी के विस्तार में जुटा हुआ है। अमेरिकी अधिकारी का कहना है हमें अब तक ये मालूम नहीं चला है कि इस न्यूक्लियर सबमरीन के डूबने की क्या वजह रही होगी और जब ये डूबी तब उसमें न्यूक्लियर फ्यूल था या नहीं, या फिर इसकी जानकारी भी नहीं है। इस हादसे में कोई सैनिक हताहत हुआ है या नहीं, इसकी भी कोई खबर तक नहीं मिल पाई है। अगर ऐसी घटना हुई है और सबमरीन में न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद था तो ये बेहद चिंताजनक बात है। न्यूक्लियर रिसाव होने की स्थिति में समुद्री जल जीवों के अलावा आम लोगों तक भी रेडिएशन पहुंचने का खतरा है, लेकिन चीन की सरकार इस खबर को दबाने में माहिर है। अगस्त 2023 में भी चीन में ऐसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें 55 सैनिकों की मौत हो गई थी। तब मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि चीन की न्यूक्लियर सबमरीन पीत सागर में एक बैरियर से टकरा गई थी जिसके चलते उसका ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया। दम घुटने की वजह से पनडुब्बी में मौजूद सभी 55 सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि चीनी अधिकारियों ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया था। इसकी वजह है चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। चीन अपनी पनडुब्बियों की संख्या को साल 2025 तक 65 और साल 2035 तक 80 तक ले जाना चाहता है। चीन के पास पहले से ही 370 से ज्यादा जहाजों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, इसलिए चीन अब अमेरिका की तरह न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली अटैकिंग सबमरीन बनाने में भी जुटा हुआ है। बात की जाए न्यूक्लियर सबमरीन की तो ये मुख्य तौर पर 2 तरह की होती है, पहली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस जबकि दूसरी अटैक सबमरीन। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन बेहद ताकतवर मानी जाती है क्योंकि इसकी मदद से किसी भी देश पर परमाणु हमला किया जा सकता है। 2023 में जारी मिलिट्री पावर रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास कुल 12 न्यूक्लियर सबमरीन है, इनमें से 6 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है जबकि 6 अटैक सबमरीन है। इनके अलावा चीन की नौसेना के पास डीजल से चलने वाली 48 अटैक सबमरीन है। अमेरिकी नौसेना दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है और यूएस नेवी के पास मौजूदा वक्त में 68 न्यूक्लियर सबमरीन है। इनमें तेज गति से हमला करने वाली 53 सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल से लैस 14 सबमरीन और गाइडेड मिसाइल से लैस 4 सबमरीन। वहीं रूस के पास कुल 29 न्यूक्लियर सबमरीन है। ब्रिटेन के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 11 सबमरीन है जबकि फ्रांस के पास 8 और भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम INS अरिहंत है। ये बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको जरूर देंगे। बाकी देश और दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए टीवी नेट डिजिटल के साथ।